परिक्रमा करने का चलन कई धर्मों में है। ऐसी मान्यता है कि परिक्रमा करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, यानी कानी च पापानी ज्ञाता ज्ञात कृतानी च तानी सर्वानी नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। अर्थात परिक्रमा के एक एक पद चलने से ज्ञात अज्ञात अनेकों पापों का नाश होता है। किंतु आपने गौर किया होगा कि अक्सर सभी देवी देवताओं और मंदिरों की पूरी परिक्रमा की जाती है, वही शिवलिंग की आधी परिक्रमा होती है। शिव आदि देव है, वो देवों के देव है। शिव की पूजा शिव मूर्ति तथा शिवलिंग दोनों रूपों में की जाती है, किंतु शिवलिंग पूजा के नियम अलग है, जिसमें कुछ मर्यादाएं भी निहित है। शिवलिंग की आधी परिक्रमा को शास्त्रों संवत माना गया है, इसे चंद्राकार परिक्रमा कहा जाता है। परिक्रमा के दौरान जलाधारी को लांघना मना होता है। इसके पीछे क्या धार्मिक और वैज्ञानिक कारण है, यह आज हम जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव पुराण समेत कई शास्त्रों में शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। इसका धार्मिक कारण है कि शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाया जाता है। इस जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। ये जल जिस मार्ग से निकलता है उसे निर्मली सोम सूत्र या जलाधारी कहा जाता है। माना जाता है कि शिवलिंग इतने शक्तिशाली होते हैं कि उस पर चढ़ाए गए जल में भी शिव और शक्ति की ऊर्जा के कुछ अंश मिल जाते हैं। ऐसे में जल में इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि यदि व्यक्ति इसे लांघे तो ये ऊर्जा लांघते समय उसके पैरों के बीच से उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी कारण व्यक्ति को शारीरिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए शास्त्रों में जलाधारी को लांघना घोर पाप माना गया है। वैज्ञानिक कारणों को समझने का प्रयास करें तो शिवलिंग ऊर्जा शक्ति का भंडार होते हैं और इनके आसपास के क्षेत्रों में रेडियो एक्टिव तत्वों के अंश भी पाए जाते हैं। काशी के भूजल में यूरेनियम के अंश भी मिले हैं। यदि हम भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप देखें तो पता चलेगा कि इन शिवलिंगों के आसपास के क्षेत्रों में रेडिएशन पाया जाता है। यदि आपने एटॉमिक रिएक्टर सेंटर के आकार पर गौर किया हो तो शिवलिंग के आकार और एटॉमिक रिएक्टर सेंटर के आकार में आपको समानता नजर आएगी। ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े जल में इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि इसे लांघने से व्यक्ति को बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए शिवलिंग की जलाधारी को लांघने की मनाई की गई है। शिवलिंग की परिक्रमा के दौरान भक्त उनकी जलाधारी तक जाकर वापस लौट आते हैं। ऐसे में अर्धचंद्र का आकार बनता है और इसीलिए इस परिक्रमा को चंद्राकार परिक्रमा कहा जाता है। चंद्राकार परिक्रमा के भी कुछ नियम हैं। आम तौर पर परिक्रमा दाई ओर से की जाती है, किंतु शिवलिंग की परिक्रमा सदैव बाई ओर की तरफ से की जाती है। फिर जलाधारी से वापस दाई ओर लौटना होता है। कहीं कहीं पर शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल सीधे भूमि में चला जाता है, या कहीं कहीं जलाधारी ढकी हुई होती है। ऐसी स्थिति में शिवलिंग की पूरी परिक्रमा की जा सकती है, यानी ऐसे में जलाधारी को लांघने से
दोष नहीं लगता। हर हर महादेव।